हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लॉकडाउन 4.0 नहीं, लॉकडाउन 5.0 के नियमों का पालन करते होंगे। 4.0 का जो टाइम पीरियड था वो चला गया है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नया लॉकडाउन जो पेश किया 5.0, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग प्लीज़ सतर्क रहें, अपने घर में रहें, अपने परिवार के साथ रहें और लॉकडाउन 5.0 के नियमों का पालन करें। लॉकडाउन 5.0 जो है, इसमें बहुत तरह का छूट भी मिलने वाला है आम पब्लिक लोगों को। बहुत सारी सेवाएं, बहुत सारी सर्विस भी खुल रही हैं। मॉल हुआ, रेस्टोरेंट्स हुआ, आपका मंदिर जितने भी सारे हैं, ये सारे फेज़ वन में खुल रहे हैं। राज्य के जैसे मुख्यमंत्री लोग हैं, वो लोग अपने स्थिति को, अपने रिजल्ट्स को देख के ये सब चीज़ खोल रहे हैं। एंड वेस्ट बंगाल में जो लॉकडाउन है वो 15 जून तक बढ़ाया गया है। ऐसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 जून तक सारे स्कूल कॉलेज बंद किए हुए हैं, बट वेस्ट बंगाल में 15 जून तक लॉकडाउन है। और प्लीज़ आप इसके नियमों का पालन करें। रात 9 से 5 बजे तक कहीं भी ना निकले, क्योंकि ये कर्फ्यू लगा हुआ है। सो आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, टैप द बेल आइकन। आज जो हमारा टॉपिक है, इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट्स, जो डेट है इनकम टैक्स रिटर्न चैप्टर 6 के अंदर जितने भी डेट्स है, जो जो चीज़ अभी तक आपने पेमेंट नहीं कर पाए, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या वो खुशखबरी है? कि वो डेट को बढ़ा दिया गया है, डेट को एक्सटेंशन कर दिया गया है। बहुत सारे लोग टेंशन में सोच रहे थे कि क्या होगा, मेरा अभी तक डोनेशन नहीं हुआ है, मेरा अभी तक इन्वेस्टमेंट हम नहीं किए हैं, मैंने अभी तक लिंकिंग नहीं किया है, तो उसका क्या होगा? उसके लिए सरकार ने कोविड-19 के चलते एक्सटेंड किया है डेट को। कोविड-19 जो पूरे विश्व में जो महामारी फैला के रखा है, सो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। सो आज जो हमारा टॉपिक है, इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट्स, तो इसमें पहला जो चेंज हुआ है, पहला जो डेट एक्सटेंड हुआ है, आधार एंड पैन का लिंकिंग से लेके, द लास्ट डेट फॉर आधार एंड पैन लिंकिंग हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून 2020। जी, अगर आप अभी भी आधार और पैन कार्ड का लिंक नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज़ कर लीजिए। इसके डेट को बढ़ा दिया गया है, 30 जून 2020 तक कर दिया गया है। अगर आप नहीं किए हैं तो इसको आप कर लीजिए। 30 जून तक इस डेट को बढ़ा दिया गया है, 30 जून 2020 तक कर दिया गया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लिंकिंग कैसे करें, तो ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाइए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए। वहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप देखिएगा आधार एंड पैन लिंकिंग है, वहाँ पे जाके आप आधार कार्ड पैन कार्ड दीजिए, एक ओटीपी आएगा और उससे आपका आधार एंड पैन लिंक हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा डेट जो एक्सटेंड हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। जी, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19, 31st March 2020 वॉज द लास्ट डेट फॉर द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, बोथ ओरिजिनल एंड रिवाइज रिटर्न, बोथ ओरिजिनल एंड रिवाइज रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड असिसमेंट ईयर 19-20 विच हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 30 जून। अगर आप नहीं किए हैं 18-19 का फाइनेंशियल ईयर 31st March 2020 तक आप नहीं किए हैं, तो आप उसको डेट को बढ़ा दिया गया है, उस डेट को आप 30 जून तक कर दिया गया, 30 जून 2020 तक कर दिया गया है। तो आप प्लीज़ इस डेट के अंदर, आप ये डेट के अंदर आप रिटर्न फाइलिंग कर लीजिए। आपका जो ITR है, आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है, ITR 1 सहज है, ITR 2, ITR 3 है, जो आप उसको रिटर्न फाइलिंग 30 जून के अंदर कर लीजिए। देखिए, मौसम बहुत ही ख़राब है, बारिश बाहर हो रही है, फिर भी हम आपके साथ कनेक्ट हैं, आपके लिए हम सर्विस दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जिसे आप लोग जाने घर में बैठे हुए। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, लास्ट डेट फॉर सेविंग्स, लास्ट डेट फॉर टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट फॉर डिडक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20
फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड। जो आप इनकम टैक्स रिटर्न में जो आप अपना इन्वेस्टमेंट करते थे डिडक्शन आपके टैक्स को कम करने के लिए, उसके लिए अभी डेट को बढ़ा दिया गया है। उसका जो डेट है आपका 30 जून तक उसको बढ़ा दिया गया है। इनकम टैक्स एक्ट चैप्टर 6A के तहत जितने भी 80C फॉर LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो 1968 में लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इन्वेस्टमेंट करिए। 30 जून तक आपका ये डेट को बढ़ा दिया गया है। जो मेडिक्लेम है 80D फॉर मेडिक्लेम, अगर आपको मेडिक्लेम करना है, पे करना है, पेमेंट करना है तो आप करिए, इन्वेस्टमेंट करिए जिससे आप अपना इनकम टैक्स को कम कर सकते हैं। 80G फॉर डोनेशन, अगर आपको कहीं डोनेशन करना है इस COVID-19 के महामारी में, अगर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे आप डोनेशन कर सकते हैं, और उसके लिए सरकार ने आपको डेट भी एक्सटेंड कर दिया है, तो प्लीज़ आप इस डेट के अंदर सारा भी जो इतना भी डिडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, आप कर लीजिए। आप अपने टैक्स सेविंग्स को बचा सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके। नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है कि रिड्यूस इंटरेस्ट रेट फॉर पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज, अगर आप इस डेट के अंदर पेमेंट नहीं किए हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत हाईली चार्ज होने वाला है। तो वो क्या है, वो जो डेट है जी, तो इंटरेस्ट रेट फॉर लेट पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज, अगर आपका TDS, TCS, STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, एडवांस टैक्स विच आर ड्यू फॉर पेमेंट फ्रॉम 23rd March 2020 टू 29th June 2020, अगर आप इसके बीच में अगर आपका पेमेंट ड्यू है तो इस डेट को बढ़ा दिया गया है, इस डेट को 30 जून तक कर दिया गया है। तो प्लीज़ आप इस 30 जून के पहले आपका जितना भी पेमेंट है आप क्लियर कर लीजिए। अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम के हिसाब से चार्ज होगा, जो ये जो रेट 18% था अभी वो 9% हो गया है। तो आपका जितना भी इंटरेस्ट रेट फॉर लेट पेमेंट ऑफ है वो आप क्लियर कर लीजिए, जैसे कि TDS, TCS, एडवांस टैक्स, STT, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्सेस जो है आप उसको प्लीज़ पेमेंट कर लीजिए 30 जून तक। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट ने हमें रिलीफ दी है बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर विवाद से विश्वास स्कीम। जी, विवाद से विश्वास स्कीम क्या है कि आपका जितना भी सेटलमेंट है केसेस को लेके, टैक्सेस को लेके, डायरेक्ट टैक्सेस को लेके, किसी भी तरह के जजमेंट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जितने भी तरह के हैं उन सभी को आप प्लीज़ सेटलमेंट कर लीजिए। उसके लिए भी इट हैज़ बीन ऑल्सो एक्सटेंडेड अप टू 31st December। जी, विवाद से विश्वास जो स्कीम है इसका जो डेट है गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा दिया गया है, 31 दिसंबर तक कर दिया गया है, ठीक है। सो प्लीज़ आप इसके अंदर जितना भी आपका केसेस है वो आप सेटलमेंट कर लीजिए। नेक्स्ट जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है TTS एंड TCS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। जो आपका TDS रेट है उसमें जो TDS रेट है फॉर ऑल नॉन सैलरी पेमेंट टू रेसिडेंट एंड TCS रेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 25% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। जो आपका TDS का जो रेट था, देखिए TDS के रेट में बहुत बदलाव हुए हैं, प्लीज़ आप इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है गूगल में जाके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। TDS एंड TCS के जितने भी रेट्स हैं उसको कम कर दिया गया है। द रेट्स पीरियड 1st April टू 13th May तक जो TDS के पुराने जो रेट्स थे वही थे, 13th May के बाद बहुत सारा TDS एंड TCS के रेट चेंज हुआ है, तो प्लीज़ आप देख लीजिए, उसको फॉलो करिए एंड आप पेनल्टी से बच सकते हैं इन सभी डेटों को फॉलो करके आप।
एंड जो आपका रिड्यूस है, TDS जो है, TCS जो है, आपका 25% आपका रिड्यूस किया गया है TDS, जिसे आप आपका टैक्स सेव होगा, आप अपने कैश को लिक्विडिटी आप यूज़ कर पाएंगे। एंड सो ये सब चीज़ें हैं गवर्नमेंट के तरफ से जो हमें COVID-19 से जो गवर्नमेंट ने हमें हेल्प दिया है। प्लीज़ आप इस सब डेटों को फॉलो करिए, अपना इनकम टैक्स रिटर्न, जितना भी आपका ड्यू है, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जितना भी आपका लिंकिंग है, सब चीज़ों को आप अपने विद इन द ड्यू डेट आप पेमेंट कर दीजिए। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, जितना पसंद है आप उसको शेयर करिए, टैप द बेल आइकन। एंड जय हिंद, जय भारत।